Hello students, today our topic is computer networks, and in this lecture we are going to discuss some numerical related to computer networks. So let us take a quick revision of all the things that we already discussed in our previous lecture. So as you can see on the screen, that is your computer network syllabus. And uh, in this syllabus, you can easily see that syllabus is basically divided into four parts. First uh, is about type of networks. Okay so there is always a question from this part second is network devices these are the network devices modem hub switch repeater router gateway and third is network topologies so one question is always asked from topologies and four basic topologies are there bus star tree and mesh okay and uh, fourth part is terminology related to internet which include url www okay as far as a uh, some important part is concerned i think that uh, cookies uh, view ip and static and difference between static and dynamic website dynamic web page these are the some important question which uh, may be asked in your examination so this is the important part of this chapter computer networks and uh, the weightage of this chapter is of 10 marks so basically uh, the division of marks is uh, 6 plus 4 so 6 marks are theoretical portion and 4 marks is of uh, application based question so there's uh, always application based question when computer networks asked in ip exam uh, we can see previous year question paper so in this part, we are going to discuss this type of application based question answer. So, let us start. So, we already discussed some question answer in our previous lecture, and uh, there is a new question that is you can easily see on the screen. सो लेट स्टार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इज़ लोकेट इन पुणे एंड इज प्लानिंग टू गो इन फॉर नेटवर्किंग्स फॉर बैटर इंटरक्शन द डिटेल आर शून ब्लो तो क्वेश्चन है डिस्टेंस लर्निंग का एक इंस्टीट्यूट है कहाँ लोकेटेड है पुणे में क्या प्लान है उनका उनको नेटवर्किंग करनी है उनकी फोर विंग्स हैं और करनी क्यों है इंट्रेक्शन in के लिए ऑबियसली अभी तक तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है ये विंग्स देखी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इससे अब है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन हाँ इतना है कि फोर विंग्स का नेम हमें पता चल जाता है स्टूडेंट विंग है एक लाइब्रेरी विंग है एक एडमिशन विंग है और एक एडमिन विंग है फोर विंग्स है ठीक है आगे देखते हैं ये डिस्टेंस दे रखी है डिफरेंट विंग्स के बीच में स्टूडेंट विंग टू तो एडमिन विंग स्टूडेंट विंग टू तो एडमिशन विंग स्टूडेंट तो विंग टू लाइब्रेरी तो विंग एंड एडमिशन विंग टू तो एडमिन विंग एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग एडमिन विंग टू लाइब्रेरी विंग तो ये सभी विंग्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो सभी विंग्स में अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहें और केबल के थ्रू के नेटवर्किंग करना चाहें वायर्ड मीडिया के थ्रू गाइडेड मीडिया के थ्रू तो केबल की लेंथ दे रखी है तो इसमें थोड़ा सा ये देखिए आप थ्री मीटर ये सबसे ज़्यादा है और 90 मीटर ये सबसे कम है तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज़ थ्री ट्वेंटी फाइव मीटर एंड मिनिमम इज़ नाइन्टी मीटर तो एक क्वेश्चन पिछली बार भी हमने देखा था एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमें अगर नेटवर्किंग करनी है तो हमें केबल लेआउट बनाना पड़ता है केबल लेआउट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है तो केबल लेआउट स्ट्रक्चर में दो बातें याद रखनी पड़ती पहली तो ये कि हमें मिनिमम केबल यूज़ करनी है और सभी विंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है दूसरा कि अगर कुछ ऐसा केस आता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं और दोनों में ऑलमोस्ट सेम केबल यूज़ हो रही है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस विंग को हमने जहां हमने सर्वर इस्टेब्लिश किया अपना उस विंग के थ्रू कनेक्टिविटी हो डायरेक्ट ठीक है अदर विंग्स की तो उससे क्या होता है कि जिस रूम में हम जिस विंग में हम सर्वर इस्टैब्लिश करेंगे तो वहाँ लोकल कनेक्टिविटी मैक्सिमम होगी तो एक ज़्यादा ऑप्शन होता है अगर इनफैक्ट इन एनी केस अगर ऐसा भी होता है कि जो मार्जिन है दो ऑप्शंस के बीच में अब वो बहुत कम है स्मॉल है और थोड़ा सा ज़्यादा है अगर सर्वर वाले केस में जिस वग में हमने सर्वर इस्टबलिश किया उसमें तो भी हम उसे प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उसमें जो लोकल कनेक्टिविटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी कंप्यूटर्स की तो ऐसा होगा नहीं नाइन्टी नाइन परसेंट केसेज में ऐसा नहीं होता लेकिन अभी तक जितने न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं उसमें किसी किसी क्वेश्चन में ऐसी आ जाता है तो आप वहाँ उस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट भी कर रहे हो तो वो भी आपका हाँ सही माना जाएगा तो चलिए इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस दे रखी है डिफरेंट विंग्स के बीच में और हमें केबल लेआउट बनाना होगा ऐसा हम मैज्यूम करके चलें डिस्टेंस देने का यही मतलब है सिंपल सा और केबल लेआउट बनाते समय हमें मिनिमम केबल यूज़ करनी है और सभी विंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है ये डजेंट मैटर कि सभी विंग्स आपस में एक दूसरे डायरेक्ट कनेक्टेड है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, है लेकिन कनेक्टेड होनी चाहिए पहली बात एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको मिनिमम के यूज करनी है तो वो आपको ध्यान रखना है जैसे इसमें थ्री ट्वेंटी फाइव मीटर है तो हमें अवॉइड करना होगा स्टूडेंट विंग को लाइब्रेरी विंग से डायरेक्ट कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए ठीक है अगर कोई और ऑल्टरनेट है इसका या कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन है तो वो हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से अगर ये हमें पता चलता है कि एडमिशन विंग लाइब्रेरी विंग से कनेक्टेड है नाइन्टी मीटर की डिस्टेंस से तो हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट कनेक्ट हो क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर्स जैसे स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग अगर हम देखेंगे तो वन मीटर की डिस्टेंस है जो ऑलमोस्ट डबल है ठीक है तो कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की तो ये एक आइडिया लग जाता है हमको तो क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है देखा जाता है समझा जाता है कि क्या करना है हमें आगे चलिए आगे देखते हैं अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दे रखे स्टूडेंट विंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे टू ट्वेंटी फाइव एडमिशन विंग में फिफ्टी एडमिशन एडमिन विंग में टेन और लाइब्रेरी विंग में ट्वेंटी फाइव कंप्यूटर्स दे रखे हैं तो सभी विंग्स में कंप्यूटर भी दे रखे हैं कंप्यूटर्स देने का मतलब यहाँ पर ही है जैसे आप अभी तक और क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो डेफिनेटली ये पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे या पूछा जा सकता है मे बी अभी तक तो पूछा जाता रहा है लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं आई पी के कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड उसमें सर्वर आप कहाँ इस्टेबलिश करोगे तो जिस विंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे वहाँ आप सर्वर इस्टब्लिश करोगे तो स्टूडेंट विंग में है मैक्सिमम नंबर कंप्यूटर 225 ट्वेंटी फाइव और अगर रीज़न पूछा जाता है जस्टिफाई और आंसर तो आपको लिखना क्या है क्योंकि तो आप कोशिश करोगे आपका प्रायोरिटी ये रहेगा लोकल कनेक्टिविटी का ठीक है तो 225 ट्वेंटी फाइव कंप्यूटर्स हैं स्टूडेंट विंग में तो अगर ऐसा होता है कि आपको सर्वर स्टैब्लिश करना है तो इस किसी विंग में किसी एक विंग में तो स्टूडेंट विंग को डेफिनेटली सेलेक्ट किया जाएगा उस केस में ठीक है और कोशिश भी ये करनी है जब केबल लेआउट स्ट्रक्चर बनाएं कि हम मैक्सिमम जो अदर विंग्स हैं उनकी कनेक्टिविटी भी स्टूडेंट विंग के ही थ्रू करें ठीक है तो ये भी प्रायोरिटी रखनी है हमको जब हम के वी लेआउट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो तो आई थिंक अभी ये भी क्लियर हो गया होगा आपको आगे देखते हैं नेक्स्ट दे रखा है चलिए तो ये तो दे दे दिया क्वेश्चन के बारे में कि अभी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो अभी मैं थोड़ा सा एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्म किया गया क्योंकि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये डेफिनेट है इसमें कोई इफ इफेन बट नहीं है क्वेश्चन आता है आईपी के एग्जाम में कुछ चीज़ें बड़ी सर्टेन होती हैं ठीक है फिक्स होती हैं कि ये पूछी जानी है Uh, ये नहीं है थर्टिकल पार्ट की बात नहीं है जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर तो जैसे मैंने बताया कि नेटवर्किंग इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सिक्स प्लस फोर टोटल टेन मार्क्स का आना है ये तो फिक्स है उसमें से सिक्स पार्ट का बेसिकली डेफिनेशन टर्मोलॉजी से पूछी जा सकती हैं इवन कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता छोटा जैसे पिछली बार मैंने फाइव के ऊपर डिस्कस किया था एक टर्म उसमें पूछा गया था कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करती है तो फिल्म द ब्लैक्स टाइप का एक क्वेश्चन आ गया था Uh, कुछ इस तरीके से या कोई एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको uh, जहाँ तक uh, एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता है आपका फोर मार्क्स का तो इवन उसको फोर मार्क्स का कहना एक तरीके से टेक्निकली तो करेक्ट है uh, लेकिन फिर भी मैं उसे फोर मार्क्स इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन भी खुद अपने फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होगा लाइक दैट जैसे इसमें देखिए आप अब इसके फोर पार्ट्स हैं सो ईच पार्ट कह रही है वन मार्क्स तो वन मार्क का ही क्वेश्चन है ये बात अलग बात है कि सभी के सभी एक ही कॉन्सेप्ट uh, से रिलेटेड है तो उसमें पूछा ही जाएगा आपको कि कुछ इसी तरह क्वेश्चन रहेगा जैसे इसमें है तो ऐसे एक डिस्टेंस uh, लर्निंग है uh, इंस्टीट्यूट uh, है जो पुणे में लोकेटेड है और अपनी फोर विंग्स को कनेक्ट करना चाह रहा है तो विंग्स के नेम दे रखे होंगे उनके बीच में डिस्टेंस दे रखी होगी और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे होंगे ये इन्फॉमेशन आपको दे रखी होगी uh, बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा एग्ज़ाम में कि इंस्टीट्यूट का नाम कुछ और होगा नेम चेंज हो सकता है मे बी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चेंज होंगे और डिस्टेंस भी वेरी करेगी तो आपको उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना है तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो देखिए सजेस्टेड द टाइप ऑफ नेटवर्किंग लैंड वैन वैन फॉर कनेक्टिंग लिव विंग टू एडमिन विंग अब आपको लाइब्रेरी विंग से एडमिन विंग को कनेक्ट करना है तो अब देखिए लैंड मैन वैन का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ठीक है अभी ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आपसे लैंड मैन वैन पूछा न जाए क्योंकि बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है अगर डायरेक्ट लैंड मैन वैन पूछा जाता है तो, तो उसने इंडायरेक्टली पूछा है कि इसमें आप लैंड मैन वैन क्या फॉलो करोगे तो लैन क्या है पहले ये समझना होगा लैन है लोकल एरिया नेटवर्क मैन क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन क्या है वाइड एरिया नेटवर्क तो ये नेटवर्क्स के टाइप है तो ये कितना एरिया कवर करते हैं उसके ब्याह पर ये टाइप का है और एक और होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसमें हम हम हॉट स्पॉट से या ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं वो जनरली कंसीडर नहीं होता पहले एक, एक दो बार एग्जाम में वो भी पूछा जा चुका है तो लैन की जो रेंज होती है वो अराउंड टेन किलोमीटर्स तक होती है मैन की हंड्रेड uh, किलोमीटर और वैन की मोर देन हंड्रेड किलोमीटर्स तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि स्टूडेंट uh, जो विंग है लाइब्रेरी विंग और एडमिन विंग इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है अगर बिलो टेन किलोमीटर्स है ठीक है और जनरली एक वन या टू किलोमीटर्स के बीच में है ठीक है तो समझ जाइएगा कि उसमें फिर बात लैन की हो रही है अराउंड हंड्रेड किलोमीटर से हंड्रेड किलोमीटर्स बिलो है अराउंड फिफ्टी सिक्सटी किलोमीटर्स तो मैन की हो रही है और सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड किलोमीटर्स है मनी मोर देन हंड्रेड किलोमीटर्स तो डेफिनेटली इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है वैन की बात हो रही है तो पहले जरा डिस्टेंस देखते हैं हम डिस्टेंस कितनी दोनों बीच में चलिए डिस्टेंस देखनी है हमें एक तो लाइब्रेरी विंग और एडमिन विंग के बीच में लाइब्रेरी विंग और एडमिन विंग, विंग, विंग के बीच में ये देखिए एडमिन विंग टू लिव विंग कितना है नाइन्टी मीटर अब ऐसे भी सभी डिस्टेंस जो दे रखी है मीटर्स में दे रखी है तो डिस्टेंस मीटर में दे रखी है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं बात किलोमीटर्स में हो ही नहीं रही है मीटर्स में हो रही है तो यहाँ लैंडमैन में, में से आपके पास ऑप्शन पूछा गया है तो जो पेन की डिस्टेंस रहती है वाई वाई वे वो टेन मीटर्स तक होती है ठीक है तो टेन मीटर्स तो किसी की नहीं है तो पेन तो ऑप्शन है भी नहीं और वैसे भी हमें सेलेक्ट लैंड मैन में से ही करना है तो उसमें नो डाउट अबाउट इट कि लैंड क्लियर कट ऑप्शन इसका लैन ही है तो आसानी से हम देख सकते हैं कि लैन इसका आंसर है क्लियर तो लाइन इज़ द करेक्ट आंसर अब आपको बस सिर्फ एग्जाम में लिखना यही है इस क्वेश्चन का नंबर लिखना है पार्ट लिखना है और आंसर लिखना है एल एन एन डेट्स इट वन मार्क मिल जाएगा आपको ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि आपको देखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे बड़े लेंदी लगेंगे देखने में पढ़ने में लेकिन बहुत आसान होते हैं वहाँ तक मार्क, मार्क्स गेन करने की बात है मार्क्स गेन करना भी बहुत आसान होता है उसमें क्योंकि जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट होता है और टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है तो इसका मीनिंग ये भी है कि आपको उन्हें आपने अगर करेक्ट आंसर दिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए जब तक कहा ना जाए जैसे इसमें कहा गया जस्टिफाई योर आंसर ठीक है तो अगर जस्टिफाई जस्टिफिकेशन के लिए जस्टिफिकेशन uh, मांगा जा रहा है तो जस्टिफिकेशन दीजिए अदरवाइज़ उतना आंसर सफिशेंट है आप जस्टिफिकेशन क्या इसका? है इसका लेंथ क्यों सेलेक्ट किया बिकॉज डिस्टेंस इज़ अराउंड हंड्रेड मीटर्स सो फॉर हंड्रेड मीटर्स वी यूज़ लोकल एरिया नेटवर्कस क्लियर है तो इतना लिख देना है आपको लोकल एरिया नेटवर्क हंड्रेड मीटर्स के लिए स्माल डिस्टेंसिस के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं जैसे किसी बिल्डिंग में स्कूल केम्पस में या कंप्यूटर लैब में अगर हमें एक कंप्यूटर लैब से दूसरी कंप्यूटर लैब को कनेक्ट करना है तो फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आएगा uh, तो आपको ये लिखना है इट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ बिलो दैन टेन किलोमीटर्स तो टेन किलोमीटर्स से कम ही है अराउंड वन किलोमीटर भी नहीं इनफैक्ट तो फिर ऑब्वियसली इसके अंदर लोकल नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर तो उसका जस्टिफिकेशन दे देना है आपको मांगा गया इसलिए देना नहीं मांगा जाता तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें तो ये वन मार्क का क्वेश्चन था सेकेंड पार्ट देखिए सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर विद अ विदेबल रीजन तो ये कहा गया है कि आपको क्या काम करना है आपको काम ये करना है कि आपको ये बताना है कि, कि किस विंग के अंदर आप सर्वर इस्टब्लिश करोगे तो जैसे मैंने कहा था अभी तक केवल लेआउट नहीं पूछा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो ये देखते हैं सेकंड uh, पार्ट देखते हैं पहले सर्वर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सुटेबल प्लेस होगा या कौन सी विंग होगी जहां आपको सर्वर इस्टेब्लिश करना है और रीज़न भी देना है इसका रीज़न भी मांगा गया है तो रीज़न तो हम जानते हैं कि जिस विंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे उसी विंग में हमें सर्वर रूम इस्टबलिश करना होगा तो ये तो हमें देख के पहचानना है जो काम हमको करना है जहाँ तक रीज़न की बात है तो रीज़न यही है कि हम उस विंग को सेलेक्ट इसलिए करेंगे जिसमें मैक्सिमम कंप्यूटर्स होंगे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोकल कनेक्टिविटी मैक्सिमम हो ज़्यादातर सर्वर ज़्यादातर कंप्यूटर सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्टेड हो इसको लोकल कनेक्टिविटी बोलेंगे ठीक है इनडायरेक्ट कनेक्टेड ना हो तो डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्टेड होंगे तो डेटा शेयर करना कहीं ज़्यादा आसान होगा दैट इज़ अ रीज़न बैंड दैट तो पहले देखते हैं हम कि किस विंग में सबसे ज़्यादा कम्प्यूटर्स है स्टूडेंट विंग में टू ट्वेंटी फाइव कंप्यूटर्स है ओके और आसपास भी नहीं है कोई विंग इसके नो वन इज़ नियर अबाउट दैम दैट एडमिशन विंग में सिर्फ फिफ्टीन है एडमिन विंग में सिर्फ टेन है और लाइब्रे विंग में सिर्फ ट्वेंटी फाइव है तो ऑबियसली आंसर जो होगा स्टूडेंट विंग होगा तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट विंग तो आपको सर्वर कहाँ इस्टिश करना है सर्वर आपको इस्टेबलिश करना है आपको स्टूडेंट विंग में रीज़न क्या है रीज़न लोकल कनेक्टिविटी है मैक्मम कम्प्यूटर्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट सर्वर के थ्रू ठीक है तो उसी विंग में अगर सर्वर होगा तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स कंप्यूटर मैक्सिमम नंबर कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे इससे उसके थ्रू थर्ड क्वेश्चन देखिए सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिसेज विद द रीज़न रिपीटर और स्विच तो रिपीटर और स्विच का क्या काम है पहले तो रिपीटर की बात करते हैं देखिए एक बात याद रखिएगा कि Uh, जब कभी क्वेश्चन आते हैं और रीज़न पूछा जाता है तो रीज़न के अपने मार्क्स होते हैं आंसर के अपने मार्क्स होते हैं अगर आपने रीज़न नहीं लिखा है ठीक है और सिर्फ आंसर लिखा है तो मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके डेफिनेटली तो ये याद रखिएगा जैसे सेकंड uh, केस में आपने सिर्फ स्टूडेंट विंग आंसर लिख दिया जबकि उसमें कहा गया है जस्टिफाई योर आंसर और गिव अ सुटेवल रीज़न तो अभी आपने रीज़न नहीं दिया सिर्फ आंसर लिखा है तो उसमें पॉइंट फाइव मार्क्स मिलेंगे आपको पॉइंट फाइव मार्क्स जो होंगे उसके जस्टिफिकेशन के या क्लैरफिकेशन के जो भी है रीज़न के जो भी आप दे रहे हैं उसके होंगे वो नहीं लिखा ना मार्क्स नहीं मिलेंगे ये क्लियर है और दूसरा कोशिश ये कीजिएगा कि अगर रीज़न नहीं भी लिखा है क्लियर है रीज़न नहीं मांगा भी मांगा भी नहीं गया तो चूंकि वन मार्क का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है तो फर्स्ट लाइन के अंदर आपने ऑप्शन आंसर दिया जैसे इसमें आंसर लिखेंगे आप एडमिन विंग और सेकंड की लाइन के अंदर उसका रीज़न दे दीजिए आप तो एक जो पॉसिबिलिटी होती है ना मार्क्स डिडक्शन की वो भी जीरो हो जाती है तो जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा करे चेक कॉपी करेक्शन के टाइम पर तो वो एक चांस जो होता है मार्क्स डिडक्शन का वो भी हट जाता है अदरवाइज होता क्या है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि हमने सही किया था इतना मार्क्स किया था और हमारे इतने मार्क्स नहीं आए तो देखिए आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ना है कि जहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकें किसी भी कॉस्ट पर तो वो सभी आपको ले चलना है तो कहीं कुछ एग्ज़ाम्पल नहीं भी पूछा तो इट डजेंट मीन कि आपने एग्ज़ाम्पल नहीं दोगे तो काम चल जाएगा ठीक है वो अपना अपनी जगह ठीक है बात लेकिन एग्जाम्पल दीजिए उसको क्योंकि जब भी कभी एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं इसी इसी तरीके से जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं हम आंसर बता रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन आया हुआ है तो हमें वहाँ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है ठीक है इसके पीछे रीज़न क्या है तो ये भी आपको देना पड़ता है तो ये याद रखिएगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन देखिए चलिए बात करते हैं द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिसेस विद रीजन तो पहला कहा गया रिपीटर और स्विच कहाँ लगेंगे कहाँ और क्यों रीज़न भी देना है तो रिपीटर समझ लेते हैं क्या करता है रिपीटर का क्या काम होता है रिपीटर दैट मीन्स ये रिपीट करता है किसको रिपीट करेगा सिग्नल्स को सिग्नल को एम्पलीफाई करता है रीजनरेट करता है ठीक है आगे फॉरवर्ड करता है क्यों करता है देखिए जब नेटवर्किंग करते हैं और डिस्टेंस ज़्यादा होती है ज़्यादा का मतलब यहाँ पर है मोर देन हंड्रेड मीटर्स तो हंड्रेड मीटर्स से ज़्यादा की होती है तो सिग्नल वीक हो जाते हैं तो सिग्नल वीक हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या काम करते हैं एक नेटवर्किंग डिवाइस रिपीटर रिपीटर का यूज़ करते हैं रिपीटर सिग्नल कैच करता है सिग्नल कैच करने के बाद इन बिटवीन उसे रीजनरेट करता है रीस्ट्रेंथ करता है उसे और आगे फॉरवर्ड कर देता है उसको ठीक है ये रिपीटर का, का, का काम होता है तो जब कभी भी हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो वहाँ जब कभी भी हमें ऐसा लगता है या ऐसे जैसे कौन बन जाते हैं कि डिस्टेंस हंड्रेड मीटर से ज़्यादा है तो फिर वहाँ हम रिपीटर का कर यूज़ करते हैं जनरली इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा लॉजिक यही है, है इसमें जब आप दो विंग्स के बीच में इंटरनेट दो विंग्स के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि डिस्टेंस हंड्रेड मीटर से ज़्यादा है ठीक है मोर देन हंड्रेड मीटर्स है तो उसमें फिर आप क्या करोगे आप उसके अंदर रिपीटर का कर यूज़ करोगे तो ये तो काम हो गया रिपीटर का याद रखिएगा सिंपल सा लॉजिक है मैक्सिमम क्वेश्चन में ही पूछा जाता है रिपीटर कहाँ लगाओगे आप सेकेंड बात करते हैं स्विच की स्विच का क्या रोल है स्विच का क्या का काम करेगा स्विच बेसिकली एक नेटवर्क डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस है और स्विच का काम कंप्यूटर्स को इंटरक्रेक्ट करना होता है आ, विद इन द लैब और विंग तो किसी लैब में मान लीजिए ट्वेंटी कंप्यूटर्स है हंड्रेड कंप्यूटर्स हैं जैसे टेन कंप्यूटर्स में आप देख पा रहे हो तो इन सभी कंप्यूटर्स को आप आपस में इंटर कनेक्ट कैसे करोगे आपको नेटवर्किंग करनी है और नेटवर्किंग करनी में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये कि आप उसके अंदर हब या स्विच का कर यूज़ करें दोनों नेटवर्क डिवाइस में से किसी एक का दोनों सेम ही काम करते हैं लेकिन हब और स्विच में एक थोड़ा सा डिफ्रेंस है कभी कभी देखिए आप क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा हब स्लैश स्विच ये भी मिलेगा हब या स्विच का कहाँ यूज़ करोगे तो जो डिफरेंस है वो ये है कि हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है स्विच डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता बल्कि पर्टिकुलर एक मैक एड्रेस पर मीडियम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस पर डेटा को फॉरवर्ड करता है तो पर्टिकुलर एक सिस्टम पर जाएगा जिसके लिए वो मैसेज होगा जबकि हब में ऐसा नहीं होता हब में क्या होता है जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी सिस्टम्स को वो डेटा आ, मैसेज जो होगा फॉरवर्ड कर देगा उसके इसमें हम हब का यूज़ नहीं करते ठीक है तो इसलिए आ, स्विच को एक नाम और दिया गया है इंटेलिजेंट हब इस कॉल्ड द स्विच इंटेलिजेंट हब को ही स्विच बोला जाता है ठीक है तो वहाँ एक ये भी टर्म है तो स्विच की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो स्विच की तो विद इन द विंग विंग के अंदर हमें स्विच चाहिए और विंग्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है ज़्यादा से मतलब मोर देन हंड्रेड मीटर्स तो फिर वहाँ रिपीटर की रिक्वायरमेंट होगी तो अब देखिए आंसर क्या होगा जरा देख लीजिए पहले आप रिपीटर की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग ऑब्वियसली डिस्टेंस कितनी है वन फिफ्टी मीटर्स हब रिपीटर की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट विंग टू एडमिशन विंग एग्जैक्ट हंड्रेड मीटर है रिपीटर यहाँ भी हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट विंग टू लिविंग विंग और लाइब्रेरी विंग थ्री ट्वेंटी फाइव मीटर यहाँ भी यूज़ करेंगे एडमिशन विंग टू एडमिन विंग हंड्रेड मीटर यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हंड्रेड है और एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग वन ट्वेंटी फाइव मीटर यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग नाइन्टी मीटर यहाँ यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हंड्रेड मीटर से कम है क्लियर तो आई थिंक एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग यहाँ हमें यूज़ नहीं करना बाकी सब में हम रिपीटर यूज़ करेंगे आपस में विंग्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए जहाँ तक स्विच की बात है तो फोर विंग्स हैं हमारे पास स्टूडेंट विंग एडमिन विंग एडमिशन विंग एडमिन विंग और लाइब्रेरी विंग इन सभी में आपस में इंटरनेट करने के लिए आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी तो स्विच की जहाँ तक बात है सभी के बीच में सभी विंग्स में आपको जितनी फोर विंग्स अवेलेबल है हमारे पास जितनी उसमें सभी में आपको स्विच का तो यूज़ करना पड़ेगा रिपीटर का थोड़ा देखना पड़ेगा रिपीटर मेरे हंड्रेड मीटर से बिलो जहाँ है वहाँ हम यूज़ करेंगे और जहाँ एग्जैक्ट हंड्रेड मीटर है वहाँ भी कर सकते हैं रिपीटर का यूज़ ओके नेक्स्ट पार्ट देखिए

हेड ऑफ़िस है इनका डेली में तो पुणे से डेली के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है ठीक है और हमें इसमें करना क्या है सजेस्ट एन इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट विध रीज़नेबली हाई स्पीड तो हमें एक मैथड बताना है कि हमें हाई स्पीड से कनेक्ट करना है इसमें देखिए अगर इंटरनेट कनेक्शन की बात आती है <coughs> पूछा जाता है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आंसर लिखना है आपको तो इसमें पूछा भी यही गया है आपका ब्रॉडबैंड करेक्ट आंसर फॉर देट तो एक ये हो गया आपका चलिए एक बात और थी और ये था कि इन फोर विंग्स के बीच में अगर आपको कनेक्शन शो करना है जो पूछा नहीं गया केबल लेआउट लेकिन अगर आपको बनाना ही होगा तो कैसे बनाओगे चलिए देखते हैं वो भी देख लेते हैं। आ, इसके लिए आपको करना ही होगा डिस्टेंस देखनी होगी तो स्टैंड विंग टू एडमिन विंग वन मीटर टू एडमिन विंग 150 मीटर ये है वन ठीक है आगे देखते हैं है, स्टूडेंट विंग टू एडमिशन विंग हंड्रेड मीटर ओके थोड़ा सा गलत हो गया ये स्टूडेंट yep. विंग टू एडमिन विंग ये वन फिफ्टी मीटर है ठीक है नेक्स्ट था स्टूडेंट विंग टू एडमिशन विंग स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग के बीच में डिस्टेंस है हंड्रेड मीटर तो ये हो गया अराउंड हंड्रेड ठीक नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट विंग टू लाइब्रेरी विंग स्टूडेंट विंग टू लाइब्रेरी विंग कितना है थ्री ट्वेंटी फाइव मीटर तो ये हो गया थ्री ट्वेंटी फाइव मीटर आगे देखते हैं एडमिशन विंग टू एडमिन विंग हंड्रेड मीटर एडमिशन विंग टू एडमिन विंग हंड्रेड मीटर नेक्स्ट है एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग वन ट्वेंटी फाइव मीटर ये डिस्टेंस होगी वन ट्वेंटी फाइव मीटर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर रहेगा क्लियर है और एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग नाइन्टी मीटर एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग नाइन्टी मीटर्स तो ये डिफरेंस डिस्टेंस है इन दोनों सबके बीच की अब क्या करना है आपको करना है कि अगर आपको केबल लेआउट बनाना है इसका अक्सर स्टूडेंट से गलती इसी पार्ट में होती है केबल लेआउट स्ट्रक्चर बनाना है आपको तो इसमें Uh, क्या करना होगा मिनिमम केबल यूज़ करनी होगी अब देखिए मिनिमम कैसे करेंगे तो पहले मैक्सिमम को तो हटा दीजिए और दूसरा ये भी याद रखना है कि आपने सर्वर कहाँ स्टेब्लिश किया था कहाँ किया था स्टूडेंट विंग में ये है स्टूडेंट विंग तो कोशिश ये कीजिएगा कि मैक्सिमम कनेक्टिविटी स्टूडेंट विंग के थ्रू ही हो सभी की तो देखिए स्टूडेंट विंग से अगर मैं लाइब्रेरी विंग को डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ समझिएगा इस बात को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट विंग से लाइब्रेरी विंग को ठीक है तो 325 मीटर डिस्टेंस है जबकि स्टूडेंट विंग से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ एडमिशन विंग के थ्रू तो 150 फिफ्टी प्लस नाइन्टी मीटर तो भी कम होगा और इस एडमिशन विंग और एडमिन विंग के थ्रू कनेक्ट करता हूँ तो 100 100 प्लस नाइन्टी ये तब भी कम होगा इसका एक मतलब तो है कि इसकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है क्लियर ये क्लियर हो गया तो जहाँ सर्कल मार्क कर दिया है, वो यूज़ नहीं करना है आपको चलिए आगे देखते हैं आगे ये है कि एडमिशन विंग और लाइब्रेरी विंग के बीच में डिस्टेंस कितनी है आ, ये डिस्टेंस है अराउंड 125 ट्वेंटी मीटर्स ठीक है 125 ट्वेंटी मीटर्स की डिस्टेंस है तो चलिए और एडमि स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग डिस्टेंस कितनी है ये है आपकी 150 फिफ्टी मीटर्स ठीक है और लाइब्रेरी विंग टू एडमिशन विंग डिस्टेंस कितनी है नाइन्टी मीटर्स तो लाइब्रेरी विंग से एडमिशन विंग आप अगर देखिए स्टूडेंट विंग के थ्रू जाते हैं आप तो एडमिशन विंग कनेक्ट करना है आपको तो समझिएगा इसको स्टूडेंट इस विंग से एडमिशन विंग के बीच में डिस्टेंस हंड्रेड मीटर है और फिर एडमिशन विंग के थ्रू जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो ये हंड्रेड मीटर वाला पाथ ले या फिर डायरेक्ट कनेक्शन दें स्टूडेंट विंग का एडमिशन विंग से लेकिन उस केस में डायरेक्ट कनेक्शन केस में फिफ्टी मीटर आ, आपका आपको केबल की के जो होगी केबल कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि आप ऑलरेडी एडमिशन विंग को कनेक्ट कर चुके हो तो हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है आगे देखिए अब आप स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को कन, आ, कनेक्ट कर चुके हो और एडमिशन विंग से एडमिन विंग को भी कनेक्ट कर चुके हो हंड्रेड और हंड्रेड ठीक है तो अभी आपका टू हंड्रेड मीटर की डिस्टेंस ऑलरेडी होगी तो एडमिशन विंग से लाइब्रेरी विंग जाएंगे तो वन फिफ्टी मीटर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो नाइन्टी मीटर डिस्टेंस में काम चल जाएगा तो इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है तो जहाँ जहाँ सर्कल किया मैंने वो डिस्टेंस यूज़ नहीं करनी और आपको मिनिमम लेआउट बनाना है स्ट्रक्चर बनाना है तो स्टूडेंट विंग से डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट करेंगे एडमिशन विंग को 100 मीटर से एडमिशन विंग से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे एडमिन विंग को 100 मीटर से और एडमिन विंग से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे लाइब्रेरी विंग को 90 मीटर से तो ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हंड्रेड हंड्रेड नाइन्टी ये हंड्रेड हो गया ये हंड्रेड हो गया ये नाइन्टी हो गया देखिए ये पॉसिबल हो सकता है आपके साथ कि एक बार में आपका आंसर ना निकले क्योंकि अभी मुझे ये लग रहा है कि ये बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने सर्च किया अब इसमें टोटल केबल देखिए आप कितना लगा आपने सभी विंग्स कनेक्टेड हो गई टोटल जो इसकी केबल है इसमें वो केबल की रिक्वायरमेंट है आपकी हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस नाइन्टी कितना हो गया टू हंड्रेड नाइनटी मीटर ठीक है टू हंड्रेड नाइन्टी मीटर लेंथ होगी केबल की तो अभी ऐसा लग रहा है कि टू नाइन्टी मीटर की स्ट्रेंथ में टू नाइन्टी मीटर की लेंथ अगर केबल की लेंथ होगी हमारे पास तो हम सभी विंग्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा भी है कि उसमें सम हाउ मे बी अभी आ, और ऑप्शन भी आप देखने पड़ेंगे अभी हमने जितना पॉसिबल अभी हमने जितना पॉसिबल हो सकता था बेस्ट ऑप्शन वो सलेक्ट किया है तो उसमें हमें ये लगा टू नाइन्टी मीटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू नाइन्टी मीटर केबल में हम सभी को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें लेकिन अगर टू नाइन्टी मीटर से भी कभी कभी, कभी कोई डिस्टेंस एक कम मिलती है तो वो फिर उस केस में सही आंसर होगा तो वो भी हमें चेक करना है कि इज़ इट पॉसिबल कि टू से भी अगर हम कोई डिस्टेंस कम करें तो काम चल जाएगा तो ये भी हमको देखना पड़ेगा ठीक है जैसे अगर स्टूडेंट विंग से लाइब्रेरी विंग को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो वन फिफ्टी मीटर की डिस्टेंस है उस केस में मुझे स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो वन फिफ्टी मीटर इसका मतलब लेंथ ज़्यादा होगी फिफ्टी मीटर और ज़्यादा लेंथ होगी तो टू नाइनटी से टोटल ज़्यादा ही आएगा कम नहीं आएगा तो वो ऑप्शन है नहीं क्लियर अच्छा एक ये हो गया अगर स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को हंड्रेड मीटर की डिस्टेंस है एडमिन विंग को सॉरी स्टूडेंट विंग टू एडमिन एड वन फिफ्टी मीटर तो उस केस में हंड्रेड मीटर की ये डिस्टेंस नहीं चाहिए होगी तो भी डिस्टेंस ज़्यादा ही है तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन लगता नहीं है कि और कोई अवेलेबल ऑप्शन ऐसा है बेस्ट कि टू uh, नाइन्टी से मीटर की कम की केबल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो दैट इज़ अ करेक्ट आंसर तो ये आंसर करेक्ट है तो केवल लेआउट नहीं पूछा था लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया किस तरीके से केवल लेआउट स्ट्रक्चर बनाना होता है इसको भी याद रखिएगा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसी तरह के क्वेश्चन कल हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और तो वहाँ देखेंगे एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो